हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू आशीष मसीह कास्ट। गाइस, आज हमारे साथ में खड़ी है i20, Hyundai i20 जो है वो अपनी काफी सारी जनरेशन इंडिया में लेके आ चुकी है एंड ये करंट जनरेशन i20 है और काफी काफी अच्छी लगती है, स्मार्ट लगती है, एजाइल लगती है देखने में आपको, काफी एग्रेसिव और बहुत सारे कट्स एंड कर्व्स इस गाड़ी में जो है वो देखने को नजर आने वाले हैं। एनीवे गाइस, ये जो वेरिएंट है वो स्पोर्ट्स वेरिएंट है एंड टॉप ट्रिम से छोटे वाला वेरिएंट है। क्या क्या ऑफर करता है गाइस, इसके बारे में जरूर बात करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आती है। सो स्टार्ट करते हैं, इनकेस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि आपकी कौन सी गाड़ी फेवरेट है जिसको हम लोग एक और वेरिएंट एक्सप्लेन्ड वीडियो में कवर कर सके। एनीवे, इसके फ्रंट प्रोफाइल में लेके चलते हैं एंड ये है रेगुलर हेडलाइट यूनिट जो एक्चुअली प्रोजेक्टेड नहीं है, इसके टॉप ट्रिम में प्रोजेक्शन आता है। इसमें जो है वो आपको हेलोजन बल्ब ही यहाँ पर देखने को नजर आने वाला है टर्न इंडिकेटर के साथ में एंड इसको ब्लैकआउट किया गया है अंदर, भले ही रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो यूज की गई है। नीचे अगर लेके चलो तो ये DRL यूनिट है एंड ये LED सेक्शन है, कम्प्लीटली LED है। नीचे जो है वो फॉग लैंप यूनिट आप देखोगे जो कि प्रोजेक्टेड फॉग लैंप है, हालांकि उसका जो थ्रो है, जो उसका जिस तरीके का थ्रो है वो हेलोजन है, वो LED नहीं है। यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो ये ग्रिल आपको काफी पसंद आने वाली है, काफी इनोवेटिवली डिजाइन ग्रिल है। आपको इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे ये वाले और इसको जो है क्रोम नहीं रखा है गया थैंकफुली और इसको ब्लैकआउट किया गया है, Hyundai की बैजिंग इधर एंड काफी बड़ा सा एयर डैम ही आपको इसके अंदर जो है वो नीचे भी देखने को नजर आएगा, इनफैक्ट स्कर्ट्स भी देखने को नजर आने वाली है। यहाँ पे देखिए गाइस, इस सेक्शन में देखिए कितने सारे कट्स एंड क्रीसेस आप देखोगे जो एरोडायनामिकली भी इसको हेल्प करने वाले हैं और वैसे भी काफी अच्छे लगते हैं, लुक्स के मामले में काफी अच्छे लगते हैं। साइड प्रोफाइल से चलते हैं, ये कम्पैक्ट 4 मीटर में आने वाली गाड़ी है तो आप इसको 4 मीटर में आते हुए देखेंगे, 4 मीटर से बड़ी ये नहीं है और टैक्स रिलैक्सेशन इसीलिए इसको मिलता भी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो मिलने वाला है एक व्हील जो कि 195/55 रेडियल 16 इंचेस के टायर प्रोफाइल के साथ में आता है। ये स्टील व्हील ही है, हेलोजन नहीं है, बस इसका डिजाइन कुछ स्टार वे में किया गया है ताकि ये एलॉयड लगे। इसके ऊपर आप व्हील कैप भी देख पा रहे होंगे एंड वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ में मैकफर्सन स्ट्रट यूज किया गया है एंड काफी राउंड इसका जो है वो व्हील आर्च यहाँ पर आप देखेंगे। नीचे वाले पोर्शन में आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा क्लैडिंग दी गई है एंड इसके ऊपर आगे चल के आप देखेंगे कि i20 लिखा हुआ है तो बस एक ही प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है। विंडो एरिया पे भले ही आपको जो है वो विंडो लाइन में क्रोम का वर्क होते हुए नजर आने वाला है इस वाले वेरिएंट में, बॉडी कलर्ड ही आपको जो है वो यहाँ पर हैंडल बार्स भी देखने को नजर आएंगे, बहुत ही नाइसली जो है वो छुपाया गया है यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं अनलॉक करूंगा तभी ये खुलेगा। फ्यूल लिड आप यहाँ पर देखेंगे कि काफी अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पीछे वाला लुक गाइस मुझे इस गाड़ी का काफी पसंद है, स्प्लिटेबल टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, LED के साथ में ही ये जो है वो टेल लैंप ऑफर होती है। बाय द वे मैं आपको इसकी की फॉब दिखा देता हूँ, हालांकि ये जो की फॉब है वो रेगुलर Hyundai की फॉब है और आप इसको बहुत सारी गाड़ियों में जो है वो एक्चुअल में देख चुके हैं, तो फिलहाल जो है वो अनलॉक करता हूँ। बाय द वे इसकी DRL पहले आपको जला के दिखा देता हूँ और DRL कैसी लगती है उसी हिसाब से जो है वो इसकी पीछे की भी लाइट जो है वो नजर आने वाली है, तो कुछ इस तरीके से DRL एक्चुअली स्टार्ट होने पे आपको जली हुई नजर आएगी, तो मैं यहाँ पे गाड़ी भी जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। तो गाइस पीछे की लाइट जो है वो जरूर मैंने यहाँ पे जला दी है ताकि आपको पीछे की लाइट देखिए कितनी शार्प है, ये मतलब देख रहे हैं आप थ्रू भी इसका देखिए मतलब विजिबल है, कैसे भी आप डे लाइट में भी खड़े होंगे तो भी ये काफी विजिबल होगी, हालांकि डे लाइट में ये जलेगी नहीं क्योंकि आप जब हेडलाइट टर्न ऑन करोगे तभी ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर जलता हुआ नजर आने वाला है। रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर के साथ में द रिफ्लेक्टर, i20 की बैजिंग इधर एंड यहाँ पर आपको जो है वो ब्रेक लाइट नजर आने वाली है। ये स्पोर्ट्स वेरियंट है एंड i20 की बैजिंग इधर भी आपको मिलती है, साथ ही आपको Hyundai की बैजिंग इधर ऑफर होते हुए नजर आएगी। नीचे भी आप डिफ्यूजर यूनिट देखोगे, ये वाला सेक्शन देख रहे काफी डिफ्यूजर यूनिट है एंड आप इस सेक्शन पे भी रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो ऑफर होते हुए यहाँ पे नजर आने वाले हैं। अच्छी बात ये है इसके अंदर आता है काफी बड़ा सा बूट स्पेस और कुछ इस तरीके का बूट स्पेस। लुमिनेशन लाइट अगेन मिसिंग है इस वाले वेरिएंट में, लेकिन आपको हुक दोनों एंड पर ही देखने को नजर आने वाला है। लोडिंग लिफ्ट भी काफी कम रखी गई है, तो अमेजिंग जॉब डन बाय Hyundai हेयर ऑल्सो, बूट मैनेजमेंट मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ से अगर मैं इसको निकालूं तो आपको इसका पार्सल ट्रे भी दिखाई देता हूँ, ये जो है वो पार्सल ट्रे सेम डिजाइन वेन्यू एंड ग्रैंड आइटन नियोस में भी यूज किया गया, डिजाइन सेम है बट फिटमेंट ऑब्वियसली अलग अलग होगी इसकी,
तो मैं इधर से बंद कर देता हूँ, लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, इंटीरियर चेकआउट करवा देता हूँ। सो गाइस ये कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स, यहाँ पर ब्लैकआउट रखा गया है थीम के अंदर डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में। ह्यूंडई ने यहाँ पर जो है वो इसको शोकेस नहीं किया है, आपको केवल और केवल जो है वो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट ही देखने को नजर आने वाला है। विंडो के कंट्रोल्स इधर, ग्रैब हैंडल इधर, एंड यहाँ पर जो है वो आप ऑफर होते हुए देखेंगे एक बॉटल होल्डर एंड कुछ सामान रखने की स्पेस। यहाँ से अगर इंग्रेस करें तो काफी इजी इंग्रेस है, एंड ये स्टेयरिंग व्हील भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है, सिल्वर ट्रीटमेंट दी गई है, जो कि आपको क्रेटा सोज लगेगा, पूरा क्रेटा सोज यू नो स्टेयरिंग व्हील है। आपको लेफ्ट साइड में मोड्स दिए गए हैं, यानी कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स है। राइट साइड की जो स्विचेस हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड स्विच है। की लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये वाला पैनल देखिएगा, देयर वी गो, काफी स्पोर्टिश दिया गया है यार, बहुत कलरफुल है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज ऑफ नाउ, मुझे प्रीमियम हैचबैक में मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलने वाला है। आपको एल्ट्रोज का भी काफी पसंद आएगा, बट जस्ट लुक एट दिस थिंग, काफी स्पोर्टिश आपको लगता है। बहुत ही बड़ी सी जो है वो डिस्प्ले, आपको कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले है जो कि एनालॉग वे में डिजाइन की गई है, बट अमेजिंग, सुपर्ब जॉब डन बाय Hyundai हेयर। बीच में भी आपको MID दी गई है, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में टैकोमीटर दिया गया है, और बहुत सारे स्विचेस आपको, डैशबोर्ड सिंबल्स आपको एक्चुअली यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। बीच में जो है वो फ्यूल गॉज एंड इधर टेम्परेचर गॉज दिया गया है। सो यस, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो दिखने वाला है, और यहाँ पर भी दो लाइट्स दी गई हैं जो हैलोजन ही हैं, और इसके कंट्रोल्स आपको सन ग्लास होल्डर, IRVM एंड कुछ इस तरीके का कार्ड होल्डर, साथ ही आपको यहाँ पर जो है वो मिरर भी देखने को नजर आने वाला है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नजर आने वाला है। मेन्यू यहाँ पर दिए गए हैं जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कापले के साथ में आता है, बट इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स जो है वो ऑफर नहीं करती है ह्यूंडई यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर वो फीचर्स नहीं आती जैसे कि आप जियो फेंसिंग हो गई, या आपके पास में स्पीड लिमिटिंग अलर्ट्स हो गए, या वॉले फेंसिंग हो गई, या इनफैक्ट रिमोट कंट्रोल, ये सब चीजें आपको टॉप ट्रिम्स में जो है वो ऑफर होते हुए नजर आएंगे। बट ये दो फीचर्स एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कापले, ये दोनों यहाँ पर जो है वो आपको जरूर मिल जाती है। यहाँ पर बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप ट्यून इन कर सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वॉल्यूम एंड पावर का बटन दिया गया, तो इस तरीके से बंद भी हो जाता है। हैजार्ड लाइट आपको बटन इधर, एसी की वेंट्स काफी स्लीक रखे हैं, पतले से हैं, बट इनका थ्रो काफी अच्छा है, बिकॉज आई हैव ड्रिवन दिस कार, तो मुझे एसी से कोई भी प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, अभी भी काफी चिल इसका एसी है। और कुछ इस तरीके देखें आप, ये टच मुझे काफी अच्छा लगा। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मैनुअल ही है, इस वाले वेरिएंट में ऑटो नहीं आता है। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, साथ ही USB और कुछ सामान रखने की स्पेस यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो है वो गियर लीवर मिलेगा और स्टोरेज यूनिट यहाँ पे, साथ ही एक आर्मरेस्ट जो कि एक्चुअली स्टोरेज के साथ में आता है, एंड एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा जो कि कूल्ड है, एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है ये भी फिलहाल। तो बंद करते हैं इसको और फिलहाल तो चलते हैं गाइस इसके रियर वाली रो में और चेकआउट करते हैं। सो कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स इधर भी जो कि ब्लैकआउट ही रखे गए हैं, कोई इनमें डुअल टोन ट्रीटमेंट एस सच वगैरह नहीं है। सो इजी इंग्रेस और एडिक्वेट लेग रूम या नी रूम जिसको आप कहना चाहते हो, 12 डुअल AC सेटअप जो यहाँ पर ऑफर होती हुई है, एंड यहाँ पर जो है वो कुछ सामान रखने की स्पेस है, एंड यहाँ पे USB जो है वो आप ऑफर होते हुए देखेंगे, साथ ही छोटा सा जो है वो फ्लोर हम मिलता है, काफी छोटा सा है। शोल्डर रूम इज एडिक्वेट इनफ, यहाँ पर कोई भी शोल्डर रूम को लेके कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक वैनिटी लाइट भी दी गई है पीछे, कोट हुक के साथ में जो है वो ग्रैब हैंडल आता है, एक सिंपल ग्रैब हैंडल आता है, एंड अंडर थाई सपोर्ट इज क्वाइट नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्लाइन एंगल भी सफिशियंट इनफ, वहां पर भी कोई मशक्कत नहीं है, बस ये इंटीग्रेटेड जो है वो आपको हेडरेस्ट देखने को नजर आएंगे, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एक क्वार्टर मिरर भी आपको यहाँ पर ऑफर होता है जो कि आपकी एयरी नेचर को, एयरीनेस को जो एक्चुअली बढ़ाएगा। तो कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स गाइस आप देख सकते हैं, एंड लाइट थोड़ी सी कम है तो वो शायद कैमरा जस्टिस ना कर पा रहा हो, बट यस स्पेस काफी अच्छा है। ऊपर से जो सिंगल टोन रखा गया उसकी वजह से एयरीनेस जो है वो काफी कम हुई है, और यहाँ पर कोई भी पॉकेट नहीं है, आई बिलीव इधर होगी, यस यहाँ पर एक पॉकेट जो है वो जरूर दी गई है। यस गाइस फिलहाल तो मैं जो है वो
ईग्रेस करता हूँ, बाहर निकलता हूँ गाड़ी के और इसके इंजन ऑप्शंस बता देता हूँ। बाय द वे ये ट्रांसमिशन की क्वीन है, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन, सबसे ज्यादा इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप रेगुलर 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन, एक टर्बो चार्ज इंजन 1.0 जो कि पेट्रोल इंजन ही है, एंड एक 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ में इस गाड़ी को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। एंड ट्रांसमिशन सुपर्ब जॉब डन बाय ह्यूंडई। इधर मैं शायद 5 से 6 ट्रांसमिशन ऑप्शन इसके अंदर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं ह्यूंडई द्वारा, और सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शन, इसी वजह से इसकी प्राइसिंग भी काफी हाई है। और लोग अक्सर बोलते हैं कि ह्यूंडई की i20 काफी महंगी होती है, वो इसी वजह से क्योंकि अच्छे इंजन ऑप्शंस हैं, अच्छे ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं आपके पास में, हर एक इंजन के साथ में एक बेहतर ट्रांसमिशन यहाँ पर मिल जाता है, तो इसलिए जरूर मैं यहाँ पर कहूँगा। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, इतना ही मैं आपको बता पाया। बाकी क्विक ओवरव्यू जो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नई गाड़ी हम कौन सी कवर करें वो भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो के साथ में, आप बस ध्यान रखिए अपना और ड्राइव काफी सेफ चलाएं।